स्टेटस रिपोर्ट्स होंगी, अभी क्या सिनेरियो चल रहा है क्रिकेट का? देखिए जी, अभी कोई इतना ज्यादा होपफुल सिनेरियो नहीं है, जी क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब चाहिए कम अज कम, अभी तो कोरोना की वजह से ये 2-3 माह गुजर गए हैं ऐसे, लेकिन उससे पहले 1.5 साल का अच्छा भी जो गुजरा है उसमें ना ही क्लब क्रिकेट कोई ऑन हुई है उनकी, ना ही वो सिटी क्रिकेट को वो इम्प्लीमेशन करा सके हैं, तो जी मेरे ख्याल उनको कर देनी चाहिए। हाँ, ये स्पोर्ट्स में हर काम बड़ा इजी सा रखना चाहिए, अगर स्पोर्ट्स में खिलाड़ी और ऑर्गेनाइजर जो होते हैं वो कोई इतने PhD नहीं होते हैं कि वो बाकी चीजें सारे मामला को देख के चलें। 2014 में जिस तरह कंस्टिट्यूशन चेंज किया तो बहुत मुश्किल पेश आई, जब मैं फैक्ट्री था और जी मुझे ही इनको हैंडल करना पड़ा, और एक बात जो थी वो मुझे काफी टाइम लगा और लोगों ने उसको अडॉप्ट कर लिया, सीख किया। उसके बाद फिर दोबारा नया कंस्टिट्यूशन अभी सिटी का आया है, तो लेकिन अभी तक जो इम्प्लीमेशन है वो नहीं हुई, 2-1.5 साल हो गया ना 19 ना अंडर 16 ना सीनियर रजिस्टर, ये टूर्नामेंट नहीं हुए, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो थोड़े से परेशान हैं, क्योंकि उनको परफॉर्म कर मैं खासकर बच्चों को परफॉर्म करने का मौका जो मिलता था वो अभी नहीं मिल रहा। और मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि जी जितनी जल्दी हो सके ये क्रिकेट जो है इसको शुरू करें, और अगर कोई उसमें अमेंडमेंट करनी है तो उसको फॉरवर्ड अमेंडमेंट करें और इसको इजी करें, जितना इजी कर सकेंगे एक पेपर पे ला सकेंगे तो ज्यादा बेहतर जी अच्छा इजाज़ भाई, मैं आपको एक थोड़ी सी मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। पिछले दिनों आपने एक जो मुहिम चलाई थी, जो लड़के थे, जो लोग थे PCB के जिनकी सैलरी नहीं मिली थी, वो आपने आज न्यूज़ भी चेक की होगी कि वो सैलरी जो है वो डिलीवर कर दी गई है। जी। हाँ बिल्कुल, वो अभी भी जो अक्टूबर तक उन्होंने 1 अक्टूबर तक उनको एक्सटेंशन किया है उसका, मैं और उसके अलावा 250 ब्रॉन्समैन है, मैं उसके लिए भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि कम से कम जो उससे जो आपके जो बड़े 2 लाख या 2.5 लाख से बड़े जो आपके हैं उनकी सैलरी आप कट कर लें, टेन जी टेन परसेंटेज की थोड़ी कर लें, और वो ये जो रखे मैं ये नहीं कहता कि ये आपने आप दान करनी है, बल्कि मैं ये कहता हूँ जो ग्राउंडमैन है ना उसने क्रिकेट की ग्राउंड को बनाना होता है। जी जब आप ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं तो ग्रास रूट लेवल पर अकेला प्लेयर नहीं होता है, ग्राउंड्स भी होते हैं। जी अगर एक आदमी एक क्रिकेट की ग्राउंड्स मेड करता है वो बेशक वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मलकियत है या किसी की भी मलकियत है, सही लेकिन वो अगर करता है तो इसका मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फैसिलिटेट कर रहा है क्लब क्रिकेट को। तो सही मैं समझता हूँ कि वो 250 जो खिलाड़ी निकाले, जो 250 ग्राउंडमैन निकाले थे उनको भी दोबारा इन्होंने जॉब पे देना चाहिए, और उसके बाद जो क्लब क्रिकेट जैसे शुरू होगी तो जो ये कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल पर आप खिदमत करना चाह रहे हैं, समझो कि सही माने में उन्होंने खिदमत शुरू कर दी। जिंदाबाद। अच्छा जी, आपको मैं एक और छोटी सी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल का फायदा उठाते हुए जो क्रिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के आपका एक चैनल है उसका आप जरूर पैगाम दें यहीं पर, और लोगों को कहें कि उसको सब्सक्राइब भी करें। देखें जी, मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये रिक्वेस्ट है, ये जी कोई किसी की लड़ाई वाली बात जी नहीं है कि देखें 30 ये आप इस पे प्रोग्राम पूरा प्रोग्राम रखेंगे, मैं बड़ी डिटेल में ये मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं भी शॉर्ट करते हुए ये होगा कि सिटी हो या डिस्ट्रिक्ट हो जी उसके बाद रीजन और डिपार्टमेंट, इसके बाद आपकी क्रिकेट बेहतर नहीं हो सकती इसके बगैर, सही है ये आपको करना ही पड़ेगा। आज कर लें, 1 साल बात कर लें, 3 साल बात कर लें, जब ये क्रिकेट का हाल काफी ज्यादा हो जाएगा बेशक उस वक्त कर लें, लेकिन ये आपको करना ही पड़ेगा। जी उस सर वक्त पे कोई डिपार्टमेंट आपके साथ नहीं चलेगा, तो इदारा इसको जिद ना बनाए, सिटी हो या डिस्ट्रिक्ट हो रीजन को ऑन करें, रीजन को चलाएं, दोनों रीजन पे मुहिम ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, और उसके बाद डिपार्टमेंट है इन इनको साथ लेके चलें, और 6 टीमों का तस्वर मैं आपसे अग्री करता हूं कि वो होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में 6 टीमों वाले जो हैं टीमें वो भी फर्स्ट क्लास खेल सकती हैं और डिपार्टमेंट और रीजन भी फर्स्ट क्लास खेल सकते हैं। ये जी हमें मौका दें, हमें बनाएं, हम इनको इनके सामने रख देते हैं, हम एक बना बनाया कंस्टिट्यूशन इनके सामने रख देते हैं, मैंने और मेरे दोस्तों ने मेहनत की हुई है, हमारे पास ये चीजें हैं और हम इनको बता सकते हैं, और विद इन 3 मंथ हम जी दोबारा दोबारा उसी ट्रैक पे हम दोबारा चढ़ सकते हैं। सर, मैं आपका अपने चैनल की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं, आप हमें स्पेशल टाइम देते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू भाई, सर। एक मैं बात और ऐड करना चाहूंगा, जी जी अगर आप जरूर बात जरूर कहेंगे जरूर सर।
कि आजकल मुझे कॉल आती है कि जून का महीना है और लड़कों के ट्रांसफर का क्या सर, बेकार है। ये सवाल वो था, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आप काट रहा हूँ, ये ध्यान में था मेरे, लेकिन आप प्लीज इसे ब्रीफ कीजिएगा अच्छे तरीके से। जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्योंकि अभी कोई कंस्टिट्यूशन नहीं है ठीक तो है मैं ये किसी को नहीं ये कहूंगा कि आप बिल्कुल चेंज ना करें, वो ही पुराना तरीका रखें, और बजाय इसके लिए कि उसको आपने पहले रजिस्टर को दिया था, रजिस्टर की बजाय उनकी कॉपियां जो है जो डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको आप डिस्पैच करते हैं और ओरिजिनल अपने पास रखें। ठीक है आप तरीका वही अडॉप्ट करें जो पहले आप करते रहे हैं, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट की बजाय आप इसको इलेक्शन डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिस्पैच कर दें और फिर उसके बाद देखेंगे क्या। मेरा ये है कि अभी जब कंस्टिट्यूशन ना हो तो ये चीजें नहीं हो सकती, लेकिन मैं कहता हूँ कि चलो सेफ साइड इसको ये कर लें और ये 30 तक है इसको उसी हिसाब से ट्रांसफर कर लें। सर बहुत ज्यादा आपने हमें इन्फॉर्मेशन दी, थैंक यू सो मच सर, और इंशाल्लाह आपको गायब गायब जहमत देते रहेंगे।